हेलो फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर है। इसमें जैसा कि डायग्राम में शो कर रहा है, इसमें रॉड एबीसी है। एबीसी हम एक फिक्स्चर मानेंगे जिस पे फोर्स ए अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन का, और एंगल बी 45 है और एंगल सी 60 डिग्री है। ये कॉर्ड है ए बी टेंशन T1 एंड ए सी टेंशन T2 है। तो इसमें हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ओ मान लिया हमने, इसमें T1 इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द होरिजेंटल, T2 इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द होरिजेंटल, और फोर्स नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। या हम इसको वेट मान सकते हैं 15 न्यूटन। अप्लाई लेमी थ्योरम टू द पॉइंट ओ, तो 15 upon sin 45, क्योंकि 15 और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 प्लस 60 दैट इज 105 टू 75 डिग्रीज का एंगल आएगा अपॉन T1। T1 इज कॉर्ड इट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो T1 जो फोर्स है किन दो एंगल्स के बीच में है, एक तो 15 न्यूटन और दूसरा टेंशन T2। तो 60 प्लस 90 दैट इज 150। सेम आपका T2 रहेगा, T2 में यहाँ ये एंगल रहेगा। T2 जो फोर्स है ये बिटवीन 15 न्यूटन एंड T1 फोर्स, इन दोनों के बीच में ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, प्लस ये 90 डिग्री इंक्लाइंड है। तो 90 प्लस 45 दैट इज 135 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम निकाल देंगे। T1 की वैल्यू निकालेंगे 15 × sin 150 upon sin 75। T1 की वैल्यू निकल जाएगी 77.6 × 0.707। T1 की वैल्यू निकली 7.76 न्यूटन। T2 निकालने के लिए सेम इक्वेशन है हमारे पास। दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, एक तो T1 के थ्रू निकाल सकते हैं, सेकंड निकलेगा T2 के थ्रू। चलिए T1 के थ्रू हम निकाल देंगे। तो T1 × sin 135 upon sin 150, इसमें देखिए T2 की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 10.98 न्यूटन। थैंक यू फ्रेंड्स।